नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता सिंह, प्रवक्ता, अगणतंत्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको सेतु बंधासन करके दिखाऊंगी। सेतु बंधासन लेटकर, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। इस आसन को करने से कमर दर्द, पीठ के दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, थायराइड, अस्थमा आदि रोगों में लाभकारी है। इस आसन से त्वचा में चमक आती है, क्योंकि इस आसन में जब हम करते हैं तो पैर की एड़ियाँ, थाई मसल्स, एब्डोमेन मसल्स, छाती की पेशियाँ और गर्दन की पेशियों पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से अंगों का जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से होती है। आसन की जो परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम, कोई भी आसन जब हम स्थिर और सुखपूर्वक करते हैं तभी वह फलदायी होता है। इसलिए आसन को हमें धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सेतु बंधासन को 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। एक बार करने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम आराम कर सकते हैं। इसको हार्निया के रोगियों को, गंभीर चोट लगे हुए मरीजों को और हृदय रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म वाली महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएं। तय पैर को धीरे धीरे मोड़ें, जंघा प्रदेश के पास सटाएं, फिर बाएं पैर को मोड़ें। दोनों पैर की उंगलियों को अपने जंघा प्रदेश से सटा लें और दोनों पैर की उंगलियां कंधों की सीध में होनी चाहिए। दोनों हाथ की हथेली जमीन पर, धीरे धीरे हम अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस की स्थिति होगी, हम गहरी सांस लेते हुए आसन करेंगे। इस पोजीशन में हम सामान्य सांस प्रश्वास करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे। कुछ सेकंड रुकने के बाद पुनः वही अभ्यास करेंगे। इस समय हमें सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः वापस स्थिति में आएंगे। धन्यवाद।